OnePlus 10R इट्स हियर लॉन्च हो गया है एंड आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोग इस फोन का वेट कर रहे होंगे। 39,000 रुपीज से प्राइस शुरू होती है, 44,000 तक जाती है। पहले डब्बा खोल लेते हैं, अनबॉक्सिंग कर लेते हैं एंड व्हाट डू यू गेट इन दिस बॉक्स। फर्स्ट अप, थोड़ा सा पेपर वर्क दिया है यहाँ पर OnePlus ने, खाली टाइम में पढ़ लेना। स्टिकर्स हैं OnePlus के, मैंने बताया हुआ है पहले इसका यूज केस। रेड केबल क्लब कार्ड है ये मिल रहा है, एक सिम इजेक्टर टूल भी है तो सिम लगाने तो भैया जरूरी है। साथ में ये केस है, एक डिसेंट क्वालिटी का प्रोटेक्टिव केस है। यू हैव अ टाइप सी टू टाइप सी चार्जिंग केबल, वन प्लस 10 प्रो में नहीं थी। और एक ये ईंट दी है भैया, ये बेसिकली चार्जर है। 160 वॉट इसके ऊपर लिखा हुआ है सुपर वूक चार्जर, बट ये एक्चुअल में 150 वॉट का चार्जर है, क्यों है वो बाद में बताऊंगा। एंड लास्ट अप द स्टार ऑफ द शो, वन प्लस 10R। OnePlus की जो R लाइनअप है वो रिलेटिवली न्यू है, लास्ट ईयर ही आई थी OnePlus 9R, 9RT और अब OnePlus 10R आया। एंड गेमिंग फोकस्ड फोन्स हैं, मिड प्रीमियम फोन्स हैं। इंपॉर्टेंट इस साल इसलिए हो जाता है बिकॉज OnePlus 10 Pro लॉन्च हुआ है इंडिया में, 10 नहीं हुआ है। तो 10R आई थिंक एट द प्राइस दैट इट कम्स काफ़ी ज़्यादा लोगों के लिए अप्रोचेबल या फिर फीजिबल एक ऑप्शन है, बिकॉज जो वेरियंट्स हैं 39,000 पे शुरू होते हैं, वहाँ 8GB रैम मिलती है बट 80 वॉट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ। 12GB रैम वाला जो वेरिएंट है वो 80 वॉट फास्ट चार्जिंग भी सपोर्ट करता है और 150 वॉट भी सपोर्ट करता है। एंड दिस इज द वन जो 150 वॉट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आता है। मैंने कहा था आपको इस चार्जर पे 160 वॉट लिखा हुआ है, 150 क्यों नहीं है, बिकॉज अपेरेंटली ये जो चार्जर है ये वन प्लस कहता है कि प्री टेस्टिंग फेज से है, जब वो टेस्ट वगैरह कंडक्ट कर रहे थे, बट दिस इज एक्चुअली 150 वॉट चार्जर। और यहाँ पर जो मेरे पास चार्जर आया है इस पर वन प्लस की कोई ब्रांडिंग वगैरह भी नहीं है, बट जो फाइनल पैकेजिंग जो मार्केट में आएगी, जो आप लोग खरीदेंगे, उस पर वन प्लस का कहना है कि वो प्रॉपर वन प्लस की ब्रांडिंग वगैरह के साथ आएगा। एनीवे, सो दिस इज द बिग स्टोरी हियर। 4500 mAh की बैटरी है इस फोन के अंदर, बट जो 150 वॉट का चार्जिंग सपोर्ट है, वन प्लस का दावा है कि 17 मिनट में फोन 0 से 100% तक चार्ज हो जाता है। तो सबसे पहले एक फटाफट से चार्जिंग टेस्ट करके यहाँ पे देख लेते हैं कि कितना सही है दावा है। तो फ़ोन यहाँ पर मैंने रख लिया है और मैं आपको क्विकली एक बार दिखा देता हूँ कि जितने भी पीछे चीज़ें हैं इसे हम बंद कर देते हैं, तो वाईफाई, ब्लूटूथ, एवरीथिंग वी हैव टर्नड ऑफ, कोई भी चीज़ NFC वगैरह ये ऑन नहीं है इस वक्त फ़ोन के अंदर। ऑल्सो जितने भी बैकग्राउंड ऐप्स हैं उन्हें भी मैं यहाँ क्लोज़ कर देता हूँ, तो बैकग्राउंड भी कोई भी ऐप्स यहाँ पर रन नहीं कर रही हैं। एंड राइट नाउ द बैटरी इज़ एट 28%, सो 416 28% बैटरी है, ब्राइटनेस ऑलमोस्ट फुल है, करीब 85% होगी। और अब इसे चार्ज करके देखते हैं कि इस फ़ोन को एक्चुअली चार्ज होने में कितना टाइम लगता है। तो मैं चार्जर जो है यहाँ प्लग इन कर रहा हूँ, एंड 28% पे चार्जिंग शुरू हो गई है, सुपर वूक चार्जिंग है 150 वॉट, तो यहाँ पे कंफर्मेशन आ गई है ऑलमोस्ट। मतलब तो भाग रही है चार्जिंग लिटरली इस वक्त, विद इन लाइक फ्यू सेकेंड्स 28 से ऑलमोस्ट 30% पे फ़ोन चार्ज होने वाला है। तो कुछ देर के बाद देखते हैं कि एक्चुअली कितना टाइम लगता है फुल चार्ज होने में। तो दोस्तों टाइम जो है इस वक्त हो रहा है 4:24, यानी 8 मिनट मुझे करीब हो गए हैं इस फ़ोन को चार्ज करते हुए, और 75% पे फ़ोन आ चुका है, मतलब 28 से 75% सिर्फ 8 मिनट के अंदर ये फ़ोन आ गया है। तो अब और थोड़ी देर वेट करते हैं और देखते हैं कि 75 से जो 100% है वो कितनी देर में जाता है। तो दोस्तों 98% पे इस वक्त बैटरी आ चुकी है, ऑलमोस्ट 100% होने वाली है, एंड इट्स 4:30, तो 14 मिनट ऑलमोस्ट हो चुके हैं इसे चार्जिंग पे लगाए हुए। 99% है, तो एक आध मिनट वेट कर लेते हैं तब तक ये 100% होता है। बट इसका मतलब ये तो क्लियर है कि अगर 28% से 100% आने में लगभग अगर 15 मिनट लग गए यहाँ पर, तो 17 मिनट में तो 0 से 100% चार्ज नहीं होगा ये फ़ोन, तो वो क्लेम थोड़ा सा। तो यहाँ 100% हो गया है, देख सकते हो 431, 15 मिनट लगे 28 से 100% जाने में, यानी कि 72% जो बैटरी है वो करीब 15 मिनट में चार्ज हुई है। तो डेफिनेटली 17 मिनट से ज़्यादा लगेंगे 0 से 100 चार्ज करने में, बट आई थिंक फिर भी काफ़ी फास्ट चार्जिंग स्पीड है, तो 20-22 मिनट के आसपास लेना चाहिए इसको फुली चार्ज करने में। बट आपको ये फैक्टर इन करना पड़ेगा कि मैंने इस वक्त कोई भी एप्लीकेशन बैकग्राउंड में नहीं रन कर रखी थी, ना इंटरनेट वर्क कर रहा था, ना GPS वर्क कर रहा था। तो अगर आप ये सब चीज़ें ऑन करके फिर इस फोन को चार्ज करोगे तो 20-25 मिनट से भी ज़्यादा लगेंगे। सो मूविंग ऑन, प्रोसेसर जो है यहाँ पर OnePlus ने उसमें भी थोड़े से चेंजेस करे हैं, बिकॉज MediaTek Dimensity 8100 मैक्स चिप यूज़ करा है। सो मैक्स OnePlus का भाई कहना है कि जो ओरिजिनल चिपसेट था उसमें हमने कुछ अनाउंसमेंट्स करे हैं फॉर गेमिंग, फॉर AI, वीडियो एंड इमेज कैपेबिलिटीज। ऑनेस्टली स्पीकिंग जो डेली यूज़ है
उसमें मुझे एज सच कोई डिफरेंस फील नहीं हुआ एज कम्पेयर टू 8100, उतना ही स्नैपी उतना ही स्विफ्ट ये प्रोसेसर है। अगर मैं स्नैपड्रैगन से कंपेयर करूँ तो जो 888 की परफॉर्मेंस आती है ऑलमोस्ट मोर और लेस वैसी ही परफॉर्मेंस इस फोन से एक्सपेक्ट की जा सकती है। एक चीज़ मैं पॉइंट आउट जरूर करूँगा कि जो स्नैपड्रैगन 888 वाले फोन हैं हीटअप हो जाते हैं, बट यहाँ OnePlus 10R में अभी तक मुझे कोई एज सच हीटिंग इशू फेस नहीं हुआ है। ओवरऑल परफॉर्मेंस डेली जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी डिसेंट है। ऑक्सीजन OS मिलता है यहाँ बेस्ड ऑन एंड्रॉयड 12, तो जो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस है वो काफ़ी ज़्यादा क्लीन है, बहुत कम प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स है। हालांकि जो ओवरऑल लुक एंड फील है वो ऑक्सीजन OS का काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुका है एज कम्पेयर टू OnePlus फोन्स फ्रॉम द पास्ट। मैंने डिटेल में बात करी थी इस एक्सपीरियंस के बारे में मेरे OnePlus 10 Pro के रिव्यू में, तो अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा तो वो जाके देख सकते हो, वहाँ पर जो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस है उसके बारे में काफ़ी कुछ समझ सकते हो। परफॉर्मेंस जो है उसे अगले कुछ दिन में मॉनिटर करूंगा और जो फाइनल रिव्यू करेंगे इस फोन का तो वहां पर डिटेल में जो है परफॉर्मेंस की बात करेंगे। डिजाइन की अगर बात करूं तो वन थिंग आई मस्ट से इज दैट दिस डज नॉट फील लाइक अ OnePlus फोन, एंड देयर आर मल्टीपल रीजंस फॉर दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल OnePlus हमेशा से ना डिजाइन पे बहुत ज्यादा फोकस करता आ रहा है, हर फोन की डिजाइन कुछ ना कुछ अपने आप में डिफरेंट होती थी, बहुत अट्रैक्टिव होती थी। यहां पर वो एक्स फैक्टर थोड़ा सा मिसिंग है। डिजाइन फाइन, इट्स ओके, इट्स गुड, बट इट्स नॉट एज प्रीमियम एज अदर OnePlus फोन्स फ्रॉम द पास्ट। बहुत ज़्यादा प्रीमियम फील नहीं होता। इनफैक्ट मिड रेंज फोन्स जो ओप्पो के शाओमी के आते हैं वैसा ये बहुत ज़्यादा यू नो एक फील देता है। डुअल टेक्सचर्ड फिनिश है, पीछे प्लास्टिक का बैक है, प्लास्टिक का ही फ्रेम है, फ्लैट बैक फ्लैट फ्रंट अगेन, विच अगेन फील्स लाइक अ मिड रेंज फोन, और ट्रेंड बन गया आजकल बहुत सारे फोन्स में ये फ्लैट फ्रंट स्क्रीन देने लग गए हैं। एक और चीज़ जिस वजह से मुझे ये OnePlus फोन वाली वाइब नहीं देता, दैट इज़ द अलर्ट स्लाइडर, वो यहाँ पर नहीं है। OnePlus फोन के साथ हमने देखा है कि अलर्ट स्लाइडर कितना ज़्यादा पॉपुलर फीचर है, दैट इज़ मिसिंग हियर। अपार्ट फ्रॉम दैट जो ये डुअल टेक्सचर्ड फिनिश है दिस लुक्स गुड, एक साइड कंप्लीटली क्लीन मैट फिनिश है, दूसरी तरफ कुछ स्ट्राइप्स दिए गए हैं, तो ये एलिमेंट अच्छा लगता है। कैमरा मॉड्यूल काफ़ी बड़ा हो गया है इस बार, टॉप लेंस अगेन स्टैंड्स आउट फ्रॉम दी अदर टू लेंसेज, हेडफोन जैक भी नहीं है, तो ये तो चलो OnePlus फोन्स में आजकल बहुत कॉमन हो गया है। बाकी टाइप सी USB चार्जिंग पोर्ट है, सिम कार्ड का एक ट्रे दिया हुआ है, एंड दैट्स व्हाट कंप्लीट्स द डिज़ाइन। फ्रंट में अगेन डिस्प्ले के बारे में बहुत कुछ नहीं है यहाँ बात करने के लिए, बिकॉज बहुत ही एक स्टैंडर्ड बेसिक सा डिस्प्ले है, 6.7 इंच का साइज है, फुल HD प्लस डिस्प्ले, 1080p रेजोल्यूशन मिल जाता है, AMOLED डिस्प्ले, सो कलर्स थोड़े से मुझे लगे कि बूस्टेड थे स्क्रीन के ऊपर, 120Hz है तो काफ़ी स्नैपी है, काफ़ी स्मूथ है, अभी तक मुझे कोई लैग्स वगैरह आज सच यहाँ देखने को नहीं मिले। HDR 10 प्लस का भी सपोर्ट मिलता है, तो कंटेंट प्लेबैक वीडियोस वगैरह जो है काफ़ी अच्छी लगती है। जस्ट दैट अगेन एज आई टोल्ड यू, थोड़ा सा कंटेंट भी लगता है कि कलर्स जो है सैचुरेटेड साइड पर ज़्यादा है, सो आई मीन इट्स अगेन पर्सनल चॉइस कि वो अच्छा लगता है किसी को नहीं लगता, बट दैट्स मोर लेस अबाउट द डिस्प्ले। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन मिल जाता है। एक और चीज़ मैं बोलूँगा कि बिकॉज ये भले ही फ्लैट डिज़ाइन यूज़ करिए, इसकी वजह से ना पाम में थोड़ा अच्छे से ये फ़ोन फिट होता है। कैमरा सिस्टम की बात कर लेते हैं, 50 megapixel का यहाँ पर मेन कैमरा है, 8 megapixel का अल्ट्रा वाइड एंगल है, 2 megapixel का मैक्रो सेंसर है, और फ्रंट में जो है 16 megapixel का एक सेल्फी कैमरा दिया हुआ है। मेन कैमरा से जो फोटोज़ आती हैं दे आर वेरी गुड, काफ़ी अच्छी क्वालिटी की फोटोज़ मेन कैमरा क्लिक करता है, काफ़ी शार्प इमेजेस हैं। थोड़ा सा एक अगेन इशू वही है कि जो कलर्स है उसे ये बहुत ज़्यादा बूस्ट कर देता है, तो फोटोज़ थोड़ी सैचुरेटेड लगती हैं, इतनी ज़्यादा प्लेजेंट नहीं लगती। रेयर कैमरा से जो ह्यूमन सब्जेक्ट्स हैं वो बहुत बढ़िया कैप्चर होते हैं, बीट पोर्ट्रे मोड, बीट द नॉर्मल मेन कैमरा, और इवन पोर्ट्रे मोड भी जो है उसमें जो फोटोज़ आती हैं काफ़ी शार्प है, एस्टेटिक्शन काफ़ी सही है। बट अगर बैकग्राउंड में देखोगे तो जैसे फॉर एग्जांपल इस फोटो के अंदर जो पीछे पेड़ है वो हल्का सा वॉश्ड आउट सा फील होता है, एंड दैट डजेंट लुक गुड। अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा ठीक है, काफ़ी अच्छा यहाँ पर फील्ड ऑफ व्यू मिल जाता है। फ्रंट कैमरा में अगेन मुझे थोड़ा सा फेशियल टोन से थोड़ी सी प्रॉब्लम है, बिकॉज मुझे लगा कि हल्का सा एक पिंक ह्यू जो है फ्रंट कैमरा वो फोटोज़ के ऊपर ऐड कर देता है, विच अगेन डज नॉट लुक नाइस। सो दिस इज़ माई फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ द OnePlus 10R, बहुत कम समय के लिए, मतलब 24 घंटे करीब मैंने ये फ़ोन अभी तक यूज़ करा है, और डिटेल में यूज़ करेंगे, कैमरा को और टेस्ट करेंगे, नाइट फोटोग्राफी करेंगे, परफॉर्मेंस थोड़े गेम्स वगैरह खेल के और देखूंगा, एंड वेट टिल आर फाइनल रिव्यू, बिकॉज फाइनल रिव्यू में ही जो असली पूरा इसका सच है वो निकल के सामने आएगा। फिलहाल व्हाट आई कैन से इज 40,000 में प्रॉमिसिंग फोन है, बट नॉट लाइक अदर OnePlus फोन्स विच आर क्लियर विनर इन देयर सेगमेंट, तो क्लियर विनर नहीं है, कॉम्पिटिशन बहुत टफ है। Xiaomi 11T Pro मेरे हिसाब से अभी भी इस सेगमेंट में काफ़ी ज़्यादा एक इंप्रेसिव फोन है, Samsung Galaxy S21 FE आ जाता है, एंड देन यू ऑल्सो हैव द iPhone SE एंड Asus 8Z, तो काफ़ी सारे फोन हैं इस सेगमेंट के अंदर। लेट्स सी, थोड़े दिन और यूज़ करते हैं, फाइनल रिव्यू का इंतजार करते रहना।